आपने बाल्मीकि रामायण भी लिखी है, इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? घर में भी जैसे कोर्ट के अंदर वकील धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करते लड़ाई लड़ते हो क्या? आपकी अनुमति से प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले संवाद की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश से मास्टर अविश शर्मा को। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। नमस्कार। अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बाल्मीकि रामायण भी लिखी है जी। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? सर, ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहम पशु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम रशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। सो इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है, और यह मेरे माता पिता, सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता। अच्छा, ये बताइए अभी कि रामायण में के संबंध में लिखने का ख्याल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया? सर, इसकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं। लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग, खासकर हम बच्चे, पूरी तरीके से हताश हो गए थे, तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई, और जब मैंने रामायण देखी तो मैं रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। मैंने पहले भी रामायण का श्रवण किया था, पठन किया था, परंतु जब मैंने रामायण को देखा तब मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बाल्मीकि रामायण 250 छंदों में लिखी, ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं, तो पेशेंस, ओबीडियंस, तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार कर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन के कुछ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह छंद ऐसे है। देवनान किए विनती जब हरि जन में माँ धरती पर, तब दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया, अवध राज के चार दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, अभी आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया, रामायण में वो कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? सर, ऐसे तो एक ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती है। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही है। अभी परिवार में सब तंग आ जाते होंगे, दिन भर तुम्हें रामायण रामायण करते रहते होंगे, तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे? नहीं सर, सौभाग्य से मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण, महाभारत, गीता इन सब का चीज सुनी, और श्रीमद् भागवतम में 7वें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है। तो घर में भी जैसे कोर्ट के अंदर वकील धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करते लड़ाई लड़ते हो क्या?
नहीं सर, शास्त्रों का तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ, परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ। मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों, भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ और ये बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय कल्चर है कितना ग्लोरियस है, कितना रिच है वह, और हम कितने आगे हैं। क्या अभी ये मध्य प्रदेश के पानी में ही कोई विशेषता है क्या, इस प्रकार के बच्चे तैयार होते हैं? जी हाँ सर, यह मालवा भूमि तो इतनी सुंदर रही है, इसने लता मंगेशकर मैम इतने बड़े बड़े इन्होंने वीर दिए हैं, देवी अहिल्या बाई। मैं आपको आपको एक घटना सुनाता हूँ जी। आपके एक मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है जी, वो बहुत छोटी थी तब वो व्याख्यान करती थी जी। तो गुजरात में अहमदाबाद में उनका मणिनगर इलाके में व्याख्यान था, आज से करीब 45-50 साल पुरानी बात है। अच्छा। अखबारों में बहुत चर्चा होती थी तो हम भी सुनने के लिए चले गए। अच्छा। और मैं हैरान था उतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह वक्तव्य देती थी, जिस प्रकार से शास्त्रों का बहुत ही सटीक रूप में उल्लेख करती थी, संस्कृत बोल लेती थी, चौपाइयाँ गा लेती थी और अपनी बचपना की हरकतें भी करती थी मंच पे बैठे बैठे। मैं बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत 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 साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत छोटी थी, तो मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं। चलिए, आपके माताजी पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि उन्होंने आपको संस्कारित किया, आपको एक नई ऊर्जा दी। और बहुत कम माँ बाप होते हैं जो इस प्रकार के काम में बच्चे को जाने दे, वरना रोक लेंगे। देखिए, आपकी उम्र और आपके आपका काम इस बात को साबित करते हैं कि बड़े काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है। आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप जो भी करें पूरा मन लगाकर करें, इस सोच के साथ करें कि मेरा काम देश को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पद प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां भी कभी कभी आप पर दबाव बनाती है। किसी भी चीज का दबाव खुद पर ना आने दे। आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना आशीष हमेशा मुझ पर बनाए रखें।